सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। दोस्तों, आर्टिकल 370 पर अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। अरविंद केजरीवाल आर्टिकल 370 मूवी को देखकर कहते हैं, ये मूवी नहीं हमारे देश का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि अमित शाह ने किया था, और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर जो बहुत बड़ा कार्य बीजेपी सरकार ने किया था उस पर हम भी काफी खुश हैं, और आज उन पर एक बहुत प्यारी मूवी बनाई गई है जो कि हर भारतवासी को देखनी चाहिए। और वही हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस मूवी का जमकर विरोध कर रहे हैं और इस मूवी को बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो कि हर किसी को देखनी चाहिए, और वही जनता हो या फिर आम आदमी, हर किसी को ये मूवी काफी पसंद आई है। और इस मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज को देखकर लगता है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा चलेगी। दोस्तों, आर्टिकल 370 एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, और 5 अगस्त 2019 को जब अमित शाह ने आर्टिकल 370 को हटाया था उस टाइम कितनी बड़ी मुसीबतें जहरनी पड़ी थी उस पर ये एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बताई जा रही है। वहीं इंडिया हो या फिर ओवरसीज, हर कहीं इस मूवी का क्रेज भी ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा है, और वहीं इस मूवी को बहुत ज्यादा स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, और वहीं इस मूवी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है, और वहीं इस मूवी को लेकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको एक प्रोपोगंडा मूवी बता रहे हैं, क्योंकि यामी गौतम ने इससे पहले द केरला स्टोरी जैसी मूवी में काम किया है, और कहा जा रहा है कि यामी गौतम को इस मूवी की वजह से धमकियां भी आई थी। और एक बार फिर से आर्टिकल 370 को लेकर सैम चीजें हो रही हैं, और इस मूवी को रिलीज होने से रोकने के लिए भी काफी बड़े बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और इस मूवी को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए अमित शाह ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, और उनको लोकसभा में बहुत ही ज्यादा ट्रोल भी किया गया था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं हटे और उन्होंने आखिरकार 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटवा दिया, और ये भारत देश का सबसे ऐतिहासिक लम्हा था जिसको काफी ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, और आज आर्टिकल 370 की पूरी सच्चाई पर एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है जिसमें यामी गौतम एक बार फिर से लीडिंग कैरेक्टर में हमें नजर आएगी। दोस्तों, आप अरविंद केजरीवाल की बातों से कितना सहमत हो और आपको आर्टिकल 370 पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लाजमी बताना, और आपको यामी गौतम की एक्टिंग कैसी लगी ये भी लाजमी लिखना। अगर आपको आर्टिकल 370 पर और अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।